हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी गन्ना किस्म के बारे में जो कि जलभराव वाले क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट लाकर किसानों को देती है, यानी कि ऐसे किसान जिनकी ज़मीनों में जो है पानी खड़ा रहने की समस्या, यानी कि उनकी ज़मीनों में जो है पानी भर जाता है जिसके कारण जो है उनके गन्ने सूख जाते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए जो वैरायटी है गन्ने की बहुत ही अच्छी जो है साबित हो सकती है। और ये जो वैरायटी है किसानों, ये अर्ली में है, यानी कि स्वीकृत गन्ना किस्म है जिसको कि हर एक चीनी फैक्ट्री जो है अर्ली में लेती है। जिस वैरायटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वैरायटी है हमारी कोलख 12207। जी हाँ किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है अगेती गन्ना किस्म है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जलभराव की समस्या है, तकरीबन 3 से 4 महीने जो है पानी लगातार भरा रहता है, तो ऐसे खेतों में यदि आप इस किस्म को लगाएंगे तो बहुत ही आपको जो है अच्छा रिजल्ट लाकर देगी, क्योंकि ये एक अगेती गन्ना किस्म है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका गन्ना जो है मोटा होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी मोटाई गन्ना ये रखता है। और जो आपकी पहले की वैरायटियाँ हैं जो जलभराव में अच्छा करती हैं, जैसे कि कोशा 13231 या 98014, उनकी अपेक्षा जो है इसका गन्ना किस्म मोटा है, और जिसके कारण इसमें जो सूखी पत्तियाँ हैं वो बहुत ही जल्दी छूट जाती हैं, क्योंकि जो पतले गन्ने होते हैं उनमें जो है पत्ती उसकी चिपकी रहती है, परंतु ये गन्ना मोटा है जिसके कारण इसकी जो सूखी पत्ती है किसान भाई में बहुत ही जल्दी जो है इससे छूट जाती है। यानी कि ऐसे किसान जिनके यहाँ जो है ज़मीनें नीची हैं और हर साल उनके यहाँ पानी भर जाता है जिसके कारण उनका गन्ना जो है सूख जाता है, तो ऐसे किसानों के लिए जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा जो है साबित किसान भाइयों होती है। अगोला भी जो है इस प्रजाति में काफ़ी अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो इसके कारण हल्का पीलापन है अगोलों में, परंतु इसका अगोला भी काफ़ी अच्छा है, मोटा होता है। और ये जो गन्ना आप मेरे हाथ में देख भी पा रहे होंगे, ये किसान लेट बुआई का गन्ना है, यानी कि हम लोगों ने काफ़ी लेट में जो है गन्ने की बुआई की थी। ये गेहूं काटने के बाद में गन्ने को लगाया गया है, फिर भी जो गन्ने की आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी जो है मोटाई है। और गन्ना जो होता है कुछ आपको इस तरह का जो है देखने को मिलेगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे ये जो गन्ना है इसकी जो आँखें हैं देख लो कितनी मोटी मोटी हैं। इसका स्पेसिफिक करेक्टर है, यानी कि अगोले जिसकी गन्ने की आँखें होती हैं काफ़ी किसान में उभरी हुई होती हैं, और गन्ना बाहर से किसान में काफ़ी सख्त, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बाहर से काफ़ी हार्ड गन्ना होता है, जिसके कारण ये जो है पानी को काफ़ी देर तक जो है बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। और जो इसके इंटरनोड होते हैं वो मध्यम लंबाई के होते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। वैरायटी की लंबाई भी काफ़ी अच्छी जाती है, मोटाई भी अच्छी है, और गन्ना अंदर से काफ़ी ठोस है, जिसके कारण जो है गन्ने में आपको किसान भाइयों भार काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसे किसान जिनके यहाँ जो है जलभराव की अधिक समस्या है, तो वो जो है इस गन्ना किस्म को जो है अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है आपको यार जो है रिजल्ट ला कर देगी। और इसका अगोला देख लोगे, बिल्कुल खड़ा इसका अगोला होता है, गहरे हरे रंग का इसका अगोला है। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं इसके कारण आपको हल्का पीलापन नज़र आ रहा होगा, परंतु ऐसे किसान जिनके यहाँ जलभराव की समस्या है तो वो जो है इस किस्म को लगा सकते हैं। इसकी जो औसतन पैदावार है वो तकरीबन 450 क्विंटल तक यहाँ एकड़ का निकलती है, यानी कि पैदावार काफ़ी दमदार है, क्योंकि मोटा गन्ना है जिसके कारण इसकी छुलाई भी आसानी से हो जाती है, और पानी को भी तकरीबन 3 से 4 महीने तक जो है बर्दाश्त करने की क्षमता जो है यह वैरायटी रखती है। यानी कि बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए किस्म ये ऑप्शन साबित हो सकती है, कोलख 12207, जो कि किस्म हमारे आईएसआर यानी कि भारतीय गन्ना उत्पादन संस्थान लखनऊ की गन्ना किस्म है, जो कि अगेती गन्ना किस्म है। की पहचान की बात करें तो गन्ना जो होता है हल्का हरे कलर में जो है आपको नज़र आएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे हल्का हरेपन में जो है गन्ना होता है, और गन्ने की मोटाई अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगोला जो होता है बिल्कुल सीधा खड़ा इसका अगोला रहता है, और गहरे हरे रंग का अगोला होता है। आँखें इसकी जो होती हैं कोलख 12207 की वो उभरी हुई होती हैं, और जहाँ इंटरनोड के समय ज्वाइंट होती है वहाँ से जो है इसमें देख रहे उभार आपको देखने को मिलेगा, बीच में हल्का गन्ना बैठा होता है फिर से उभार इसमें ज्वाइंट पर आ जाता है। यानी कि ये कुछ इसकी पहचान है, यदि आप इसकी पहचान अगर आपको करनी है तो आप जो है इसकी पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।